मुझे गर्व है कि मैं वेब दुनिया के संस्थापक सदस्यों में से एक होकर सन 2000 से वेब दुनिया के साथ जुड़ा हुआ हूँ। वैसे मेरा प्रोफेशनल करियर जो है कंप्यूटर टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में रहा है करीबन 25 से 30 वर्षों तक, मगर मेरा रुझान जो है वो हमेशा हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य के प्रति रहा है। तो ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि वेब दुनिया विश्व का प्रथम पोर्टल जब चालू हुआ तो उसमें मुझे एक सदस्य के रूप में, तो मेरा सौभाग्य रहा कि वेब दुनिया जब विश्व का पहला पोर्टल आरंभ हुआ तब मुझे उसके साथ जुड़ने का मौका मिला, और साथ ही मेरी हिंदी के प्रति रुझान और अनुराग को परवान चढ़ने का मौका मिला। वेब दुनिया में मेरा जुड़ाव गुदगुदी सेक्शन के माध्यम से रहा। मैं हमेशा ही सही मतलब हास्य व्यंग का कवि और लेखक रहा हूँ। तो वेब दुनिया में मैंने विनोद वार्ता के माध्यम से एक काका और वेबू पात्र रच के विनोद वार्ता की कई प्रविष्टियाँ दी। उसके बाद मैंने हास्य व्यंग के लेख भी लिखे, फिल्मी पैरोडियाँ भी लिखी। वेब दुनिया में ही एक देवेंद्र शर्मा करके प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे, उन्होंने एक अभिनव प्रयोग करते हुए दद्दू का दरबार नामक कॉलम चालू किया, जिसमें कि दद्दू पाठकों के जो प्रश्न आते थे उसके फनी उत्तर देते थे। मैंने देवेंद्र जी से प्रस्ताव रखा कि मैं इस कॉलम का दद्दू बनना चाहूँगा, और मुझे बहुत बड़ा ब्रेक मिला और उन्होंने उस चीज़ के लिए हाँ कर दी। तो दद्दू के रूप में करीबन 10-12 वर्षों से मैं लगातार पाठकों के प्रश्नों के रोचक उत्तर देता आया हूँ। एक प्रश्न मेरा बहुत मुझे पसंद आया था, एक पाठक ने पूछा था कि दद्दू स्त्रियाँ ज़्यादा रोती हैं मगर उनका रुमाल छोटा होता है, और पुरुष कम रोते हैं मगर उनका रुमाल बड़ा क्यों होता है। मैंने हमेशा कोशिश की है कि जो अपने उत्तर हैं उसमें हास्य पैदा करने के साथ ही मैं कुछ सामाजिक संदेश भी दे सकूँ। अब मेरा उत्तर सुनिए इसमें आप। मैंने ये बताया कि बंधु रुमाल में फ़र्क इसलिए है कि वे दोनों एक दूसरे के आंसू पोंछ सकें। रुमाल जो होता है एक दूसरे के आंसू पोंछने के लिए होता है। कविता लेखन भी मेरा बहुत पसंदीदा शौक रहा है। वेब दुनिया में भी मैंने कई कविताएं दी हैं और कई अखबारों में भी छपी हैं और कई काव्य संकलन भी आए हैं। वेब दुनिया दिवस पर मैंने कविता लिखी थी, वो मैं पढ़ना चाहूँगा। माना दूर है मंजिल, माना लंबा है सफ़र, माना चुनौती भरी है राहें, माना मगर हमारे पास जीतने का है हुनर। डेवलपमेंट हो, लोकलाइजेशन हो या पोर्टल, या फिर वायरलेस एप्लीकेशन की हो बात, नव शोध नव विकास के लिए मिलकर हम सब करते रहेंगे प्रयास। अपने हर प्रोडक्ट में हम क्वालिटी के रंग भरेंगे, अपनी प्रोडक्टिविटी और सर्विस को हम लगातार इम्प्रूव करेंगे। सफलताओं के हम नए आयाम रचेंगे, चलेंगे जनहित व देशहित के पथ पर। आने वाला हर वेब दुनिया दिवस होगा अपना अगला मील का पत्थर। वेब दुनिया का 15वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मैं वेब दुनिया के सभी पाठकों और दद्दू दरबार के भी विशेष करके जितने भी पाठक हैं उन सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।